नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। 5 दिनों तक बेंगलुरु में चलने वाले एयरो इंडिया शो के 14वें एडिशन की शुरुआत हो गई। बेंगलुरु के येलहंका के एयर फोर्स स्टेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहले ये सिर्फ एक एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। वहीं एयर शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। यहीं भारत में बने कई एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जेन उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाला शो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा ये शो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-40 डोनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं। साथ ही रक्षा उपकरण कंपनियों के तहत CEO का गोलमेज मीटिंग होगी। इसके अलावा मंथन स्टार्टअप शो बंधन इवेंट भी होगा। एयरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी जाएगी। लगभग 30 देशों के मंत्रियों, ग्लोबल और इंडियन OEM के 65 CEO के शामिल होने की संभावना है। ये आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा। शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU साइन किए जाएंगे। एयर शो में वायुसेना के बेड़े में शामिल 36 राफेल के साथ एडवांस 4th जनरेशन के मध्यम मल्टी रोलर लड़ाकू विमान, हाल का स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर, ध्रुव और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसके साथ ही साथ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ड्रोन शो भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। 4 तस्वीर इस वक्त एयरो इंडिया शो 2023 की आप देख रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये एयर शो आज हुआ। 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाया हवाओं में और वायु वीर का त्रिशूल फॉर्मेशन देखने को मिला। बेंगलुरु में एयर इंडिया की उड़ान आप देख सकते हैं, अलग अलग ये हेलीकॉप्टर। इसके साथ ही साथ इस बार जो ये हेलीकॉप्टर्स दिखाए गए, बहुत लाइट, बहुत हल्के, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर रहे। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़े को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। साथियों, एयरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं।
इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो चल रहा है, वहीं एयर शो में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, नेपाल के रक्षा मंत्री हरी प्रसाद उप्रेती और श्रीलंका की रक्षा मंत्री प्रेमिता बंडारा तेनाकून के साथ द्विपक्षीय, इस दौरान रक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अपनी संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर गए राहुल गांधी का कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वायनाड गए राहुल गांधी, रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए आदिवासी विश्वनाथन के परिवार से मुलाकात की और उनकी मदद करने का भरोसा दिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास आदिवासी विश्वनाथन का शव लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिवार ने आत्महत्या से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम को घेरते हुए कहा कि शेल कंपनी में अडानी का पैसा है, हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया, अडानी के लिए नियम बदल गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। वहीं गांधी नेहरू सरनेम विवाद पर राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने मेरा अपमान किया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कोटायम में किसान संगोष्ठी कार्यक्रम जन साधश का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में रबर किसानों के कई पैकेज और फंड को कम किया। साथ ही सीएम पिनराई विजयन ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के नए बजट से रबर किसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर सरकार किसानों का हित चाहती है तो रबर किसानों के खिलाफ अपने नीतियों को रोकना पड़ेगा और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की, अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के कोच्चि से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुँचाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस यात्रा पर निकल पड़े हैं।
कोची में भी इस यात्रा की शुरुआत की गई। केसी वेणुगोपाल ने यहां इस यात्रा की शुरुआत की, लोगों तक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाया कि आखिरी यात्रा लोगों के लिए क्यों थी। और इससे पहले भी कई बार इस यात्रा का महत्व बताया गया कि लोगों को देश में एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और इसी के तहत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू की गई है, जिसमें कांग्रेस सरकार अपने किए गए कामों को जनता तक पहुंचाएगी और आगे के रोड मैप पर भी जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाएगी और सरकार पर भी हमला बोलते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत की गई, कांग्रेस का मकसद है कि देश को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए देश को एकजुट होना है। और ये संदेश देते ही भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी हुई है। तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेता पाझा नेदुमारन ने चौंकाने वाला दावा किया। पाझा नेदुमारन का दावा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE का चीफ प्रभाकरण जिंदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा प्रभाकरण जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। नेदुमारन ने दावा किया प्रभाकरण जिंदा है, वो स्वस्थ भी है। हमें भरोसा है कि इससे उनकी मौत की अफवाहों पर विराम लगेगा, वो जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। नेदुमारन ने ये दावा किया श्रीलंका की मौजूदा स्थिति और वहाँ के लोगों द्वारा राजपक्षे शासन के खिलाफ विद्रोह से हमारे नेता के सामने आने के लिए सही समय है। नेदुमारन ने दुनिया भर में मौजूद एलम तमिल और तमिल समाज के लोगों से एकजुट होकर प्रभाकरण का समर्थन करने की अपील की। नेदुमारन ने बताया कि वो प्रभाकरण के परिवार के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभाकरण स्वस्थ हैं और वेलुपिल्लई प्रभाकरण को श्रीलंकाई तमिल गुरिला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। उसके उग्रवादी संगठन का मकसद श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाना था, जिसके लिए लिट्टे ने श्रीलंका में 25 साल से अधिक समय तक युद्ध लड़ा। प्रभाकरण की मौत मई 2009 में हुई थी। तो तमिल नेता का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। LTTE प्रमुख के बारे में उन्होंने ये खुलासा किया कि वो जिंदा हैं, वो स्वस्थ हैं। प्रभाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि वो ठीक है और स्वस्थ है और जल्द ही दुनिया के सामने पेश होंगे। ये दावा जो है वो नेता की तरफ से किया गया है। LTTE चीफ प्रभाकरण को लेकर उन्होंने कहा, तमिल नेता जिन्होंने ये दावा किया कि वो ठीक है और 2009 में मौत की पुष्टि हुई थी, 2009 में ये खबर सामने आई थी कि प्रभाकरण दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है तमिल नेता की तरफ से वो जिंदा है और ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री सत्य साई सेवा संगठन की महिला युवा शाखा ने यातायात सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया। एक कार्यक्रम किया गया लोगों के बीच जागरूकता के लिए यातायात सुरक्षा को लेकर ये कार्यक्रम, जिसमें यातायात के नियम, सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने जैसे नियम बताए गए लोगों को, ताकि आने वाले वक्त में दुर्घटना ना हो, इससे कैसे लोग बच सकें, इसका महत्व समझाया गया है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भाकपा सदस्यों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर एक निजी हॉल में बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही थी, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तो कुल मिलाकर इससे पहले देश में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया, कई कॉलेज कैंपस जहाँ पर छात्रों पर हमला भी हुआ, पत्थरबाजी भी की गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, जहाँ से ये विवाद उपजा था। उसके बाद जामिया से ये विवाद उपजा था और अलग अलग जगहों पर हैदराबाद, राजस्थान,
इन जगहों पर कॉलेज में छात्रों की तरफ से ऐसा डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने का जो जोश था उसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ये सवाल ज़रूर किया सरकार से कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। अब एक बार फिर से ये मामला जो है शांत तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी ख़त्म होने की तरफ बढ़ ही रहा था कि फिर से ये मामला एक बार फिर से सामने आ गया मदुरै से। मदुरै में भी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री चलाने का आरोप लगा है। बीजेपी ने प्रदर्शन किया और ज़ोरदार हल्ला बोल किया है भाजपा के खिलाफ। बीजेपी ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 75वें सर्वोदय मेले के अवसर पर महात्मा गांधी के अनुयायी एक साथ इकट्ठा हुए। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ छात्रों ने अग्नि तीर्थम समुद्र में पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राख को 12 फरवरी 1949 को रामेश्वरम अग्नि तीर्थ में विसर्जित किया गया था। रामेश्वरम में गांधी के अंतिम संस्कार के दिन गांधी के अनुयायी जनता और छात्रों ने महात्मा गांधी के चित्र को फूलों से सजाकर शोभा यात्रा निकाली और अग्नि तीर्थ समुद्र में गांधी की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मदुरै जिला सर्वोदय संघ के सचिव आर कन्नन ने की है। सर्वोदय मेला समिति के अध्यक्ष एस अंगपन, कोषाध्यक्ष पाला कार्तिकेयन, गांधी निकेतन आश्रम के पूर्व प्रधानाचार्य आर राजेंद्रन, मदुरै गांधी मूर्ति समिति के अध्यक्ष एम चिंदबर भारती, एलिफेंट माउंटेन ओथाकदाई एस मुरुगेसन, डॉक्टर एस मीनाक्षी सुंदरम, रामेश्वरम सर्वोदय मेला समिति के अध्यक्ष एजी श्रीनिवासन और गांधी के प्रिय पब्लिक स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया, गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मंगलुरु में हिंदू जन जागृति समिति ने वैलेंटाइन डे न मनाने को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही वैलेंटाइन डे पर अभद्र व्यवहार करने वालों को रोकने के लिए पुलिस बल गठित करने की मांग की। एडीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बेंगलुरु में वैलेंटाइन डे ना मनाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, लोगों को कहा गया कि ये दिवस ना मनाया जाए। हिंदू जन जागृति समिति ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है, वैलेंटाइन डे ना मनाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पार्किंग स्थल पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 बसें भी आग की चपेट में आ गई और देखते देखते जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें देख सकते हैं जहां 3 बसें जलकर खाक हुई हैं, बस पूरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड हालांकि मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पार्किंग में ये आग लगी है, हालांकि आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन पार्किंग में खड़ी जो बसें थी उन बसों में ये 3 बसें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। तो हैदराबाद से ये पूरा मामला सामने आया है। दमकल विभाग कड़ी मशक्कत के बाद उसने आग पर काबू पाया। ये खड़ी बसें यहाँ पर थी पार्किंग में और शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से इन बसों में आग लगी है। हालांकि इस पर जांच की जा रही है कि आखिर पार्किंग एरिया में ये आग कैसे लग गई जिसकी वजह से ये 3 बसें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में शादी के लिए लड़की को ठगने वाले एक नकली बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दरअसल रहमताबाद नाम के बाबा ने 18 साल की तबस्सुम फातिमा से शादी का वादा किया था, लेकिन शादी नहीं की। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि हम अपनी लड़की को बाबा के पास लेकर गए थे और बाबा ने शादी ही एकमात्र इलाज बताया था। वहीं लड़की के पिता ने आगे कहा कि इन बाबाओं को उम्र कैद होनी चाहिए। तो एक नकली बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक लड़की से धोखाधड़ी ठगने का ये पूरा मामला सामने आया। एक लड़की को शादी
का वादा किया था बाबा ने, लेकिन मुकरने के बाद जब पीड़ित पिता था वो थाने पहुंचा और उसने कहा ये जो बाबा है इन बाबाओं को उम्र कैद होनी चाहिए। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से हुए हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। इस मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर की मस्जिदों में भूकंप पीड़ितों के लिए खास दुआ का एहतमाम किया गया। भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे। तुर्की में आए भूकंप से भारी तबाही के बाद भारत सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आपको बता दें तुर्की और सीरिया में आए तबाही वाले भूकंप में अब तक 34,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो कोयम्बटूर में मस्जिद में दुआ मांगी गई कि जो लोग अभी भी मलबे में दबे हैं वो जिंदा सुरक्षित बाहर निकलें और तुर्की और सीरिया में जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।